भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दिलाई चौथे टी20 मुकाबले में जीत, टीम इंडिया ने की सीरीज अपने नाम। जी हां दोस्तों, कैसा रहा चौथे टी20 मुकाबले का हाल बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 191 रनों का स्कोर खड़ा किया था। आपको बता दें कि भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाए थे, जिन्होंने 44 रनों की पारी खेली। हालांकि आपको बता दें कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 33 रन बनाए तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। दीपक हुड्डा 21 रन बनाने में सफल हुए। वहीं निचले क्रम में संजू सैमसंग ने 23 गेंदों पर 30 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 191 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 132 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों के आगे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। आज भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह को सबसे अधिक 3 विकेट मिले, जबकि रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और आवेश खान को 2-2 सफलता मिली। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 132 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 59 रनों से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।